टाइम होता है वो यही होता है, फ्रॉम अक्टूबर से लेके मार्च तक शो चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वेदर फेवरेबल होता है डॉग्स के लिए। तो पैन इंडिया में शोज चलते हैं KCI के, उसी का एक पार्टी है पंचकूला केनल क्लब आज हमारे शो करा रहा है विद एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री। तो क्या अट्रैक्शन है मेन यहाँ पर रहती है, जो फीचर क्या रहता है? अट्रैक्शन तो जी देखिए, 100 ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, ठीक है, और नंबर 400 से ज़्यादा है हमारे पास एंट्रीज हैं। सो जो मेन अट्रैक्शन है वो डिफरेंट ब्रीड्स है, जो इतनी जल्दी लोगों को मिलता नहीं है देखने में सोसाइटीज में। तो कॉम्पिटिशन भी कराए जाते हैं? हाँ मैं, सभी कॉम्पिटिशन स्टार्ट है ब्रीड कॉन्फर्मेशन। तो ये आज आज का है? ये सिर्फ आज आज का है, एक देखा होगा। और कंपटीशन में जो जीते हैं उनको कोई प्राइजेस वगैरह भी? ये जो कंपटीशन में जीते हैं इनको ब्रीड प्राइज मिलते हैं, और इनका कंपटीशन यहीं नहीं एंड करता। जैसे कि कोई डॉग है वो डॉग ऑफ द ईयर के लिए फाइट कर रहा है, तो केनल क्लब ऑफ इंडिया में पॉइंट्स बनते हैं। तो जो डॉग आज यहाँ पे जीत रहा है वो कल अगले हफ्ते लुधियाना में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, बॉम्बे में होगा, और उसी हिसाब से उसके कॉम्पिटिटर्स जो जितना जितना जीतते रहता है पॉइंट्स बनते रहते हैं। शो सीजन के एंड में जो भी डॉग जीतता है वो डॉग ऑफ द ईयर डिक्लेयर होता है या ब्रीड ऑफ द ईयर डिक्लेयर होता है। आई ऑप्थैल्मोलॉजी यूनिट पूरे हरियाणा में केवल और केवल हिसार में थी अभी तक, और वो भी अभी 3 या 4 माह पहले ही शुरुआत हुई थी। तो हमारे जो ACS महोदय थे पूर्व में डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी, तो उनका बड़ा इंटरेस्ट था इसमें, और उन्होंने उन्हीं के प्रयासों से ये युवास और EAMC में एक एग्रीमेंट हुआ, और उसी के तहत आज ये मशीन और सारे इंस्ट्रूमेंट आए। और अब जो हमारे डॉक्टर ACS हैं प्रेजेंट, डॉक्टर राजा शेखर बुंदरू, इन चूँकि वो आजकल वाइस चांसलर भी हैं।